खमागनी, कैसे आप सब लोग। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये सर की ओढ़नी है, जो आप देख सकते हैं कि ये बार बार टिक ही नहीं रही, नीचे उतर रही है किस तरह से, तो हम इसे जो है अपने सर पर कैसे टिकाए रखें या इसे किस तरह से यहाँ पे सेट कर दें कि वो एक ही जगह पर रहे, बार बार इस तरह नीचे ना फिसले, ताकि हम जब भी कोई काम करें या अदर कोई भी एक्टिविटी करें तो ये जो है सर से नीचे ना जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे पिन लगानी है जिससे ये इस तरह से रह जाए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे जो है हुक पिन या जो सेफ्टी पिन अपन जिसको बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं इस तरीके पिन का, तो उससे क्या होगा कि जो ये ओढ़नी है, ये देखिए आप, ये जो प्योर की ओढ़नी होती है इनके अंदर ये दाने दाने से होते हैं, तो ये छेद या होल हो जाएगा, तो जिससे जो है अपने ओढ़नी का हमें नुकसान सहन करना पड़ सकता है या फिर हमें जो है ओढ़नी, जाहिर सी बात है, ख़राब हो जाएगी, उसमें से धागे वगैरह निकलने लगेंगे। तो अब हमें ये करना, देखिए मैंने यहाँ पहन रखी है रखड़ी, तो रखड़ी के अंदर यहाँ पे है ये धागा, ठीक है, ये जो धागा होता है इसके, इससे हमें थोड़ा सा ओढ़नी को ऐसे रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओढ़नी के साइड में हम लेंगे इस तरीके, इसको जो बोलते हैं चटक पटक वाली पिन बोल सकते हैं अपन इसको, तो आप चाहें तो मेरे पास अभी सिर्फ ये ब्लैक कलर में, अगर आपके पास ऐसे जैसे रेड कलर में हो या जो भी आप सूट पहन रखे उससे मैचिंग हो तो आप उसको ये ले सकते हैं। अब इस ओढ़नी को आप थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे तो ये ओढ़नी जो है इस पिन के साथ में अंदर जाएगी थोड़ी सी इस तरह से, तो ये ओढ़नी जो है पिन के साथ में अंदर जा रही है, ओढ़नी में कहीं कुछ छेद वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से सेट हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है। और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से जो है ये करेंगे, ओढ़नी को थोड़ा सा अंदर की साइड में दबा देंगे ताकि ये पिन जो है उसके साथ में लग जाए, ये देखिए, ठीक है। तो अभी सामने से जो है पिन नहीं दिख रही है और ये जो है पूरी ओढ़नी सेट हो गई है। तो अभी अब आप जो कुछ भी अपन काम कर रहे हैं या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है ये ओढ़नी उतरने नहीं वाली है, वो एक जगह पे इसी तरह से रहेगी। और क्योंकि थोड़ा सा मैंने आगे ये जो है घूंघट टाइप में लिया है तो उससे घूंघट तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे लिया ओढ़नी को, तो ये इससे क्या है पीछे वाला जो ये पिन लगी वो दिखेगी भी नहीं इजीली, एक बार अगर आप किसी से सामने बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से। फिर ये रह जाता है कि ज़रूरी नहीं है हर कोई एनी टाइम रखड़ी पहने, पर ओढ़नी तो अपन जो है सूट पहनते हैं घर में, तो जाहिर सी बात है इस तरह की ओढ़नी अपन ओढ़ सकते हैं। तो अब कोई ये बोल सकता है कि अगर हम ये रखड़ी ना पहने तो फिर हम इसे कैसे यहाँ पे अटैच करें, क्योंकि बालों के साथ में तो होगा नहीं है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, अपन लेंगे इस तरीके का एक ब्लैक रेशमी धागा, ठीक है। तो ये जो रेशमी धागा है ये ब्लैक कलर का, आप इसकी जगह, मतलब ज़रूरी नहीं है रेशमी लो, आप सूती वगैरह कोई भी इस तरीके का जो ये ब्लैक कलर का धागा है वो आप अपने बालों के साथ में बांध सकते हैं, जैसे मैंने ये रखड़ी बांध रखी है। बस आपको यहाँ से क्या करना है, इसे यहाँ से यहाँ तक बांध लेना है पूरा, और उसके बाद में इस धागे के ऊपर आपको जो है पिने लगा देनी है, जैसे यहाँ लगाई है वो ये, बस यहाँ पे ये रखड़ी वाला धागा आ गया, यहाँ पे ही आएगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ कि ये बांधने के बाद हमें कैसे लगाना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर इसको इस तरह से वो धागा बांध लिया, मैंने उसको थोड़ा सा घूटने टाइप में हो रखा है यहाँ से ये धागा, ताकि वहाँ से जो है ये अटक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बांध लिया, अब हम इस पर रखेंगे ओढ़नी कुछ इस तरह से, देखिए बेटा। अब हमें यहाँ रख लेनी है ओढ़नी, फिर वही दिक्कत कि ओढ़नी वापस नीचे उतरनी है। तो चलिए इसके लिए अपन करते हैं फिर से इलाज, हमें यहाँ रखना है और सेम उसी तरह से जैसे आपने पहले पिन लगाई थी, अंदर की तरफ थोड़ा धकेलते हुए साइड में टेढ़ा करते हुए एक पिन लगा लेनी है, और दूसरी तरफ भी हमें इसे इसी तरह से करना है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ओढ़नी को अंदर की तरफ लेके, तो फिर से अभी हमें यहाँ पे रखड़ी भी नहीं बांधी और ओढ़नी जो है हमारी फिर से उसी तरह से सेट हो गई है। तो हम इस तरह से जो अपनी ओढ़नी को सर पे टिकाए रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।